नमस्कार दोस्तों, द एंड्रॉइड गाइड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्लिपकार्ट से अगर एक फ़ोन लेना है, जैसे रियलमी एक्स वहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि बताइए आपकी कैसे आप फ्लिपकार्ट से इसको ईएमआई पे ले सकते हैं, कैसे आप उससे खरीद भी सकते हैं, तो वो पूरा गाइड मांग रहे हैं। तो एक वीडियो मैं आज इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, तब जाकर आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये जो फ्लिपकार्ट पे ईएमआई अवेलेबल होते हैं बहुत सारे फोन्स के लिए, उसको आप किस तरह से आप खरीद सकते हैं। सो उसके लिए जो कार्ड्स वहाँ पे बताए जाते हैं वो आपके पास होना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या बजाज का जो बजाज फिंसर कार्ड जो आता है वो होना इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी कार्ड्स अगर आपके पास हैं और आपको एक फोन लेना है तो आप उससे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप कोई फोन जो है उसको ईएमआई पे कैसे ले सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको कोई भी फोन लेना हो तो उसके लिए आपको, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे मैं जाता हूँ, रियलमी एक्स, बहुत लोगों ने बोला था कि रियलमी एक्स का बताइए। सो रियलमी एक्स तो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसको मैं खरीद कर तो नहीं बता सकता, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको ईएमआई का प्लान जो है वो मिलता है। फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टैंडर्ड ईएमआई अवेलेबल है इसमें। स्टैंडर्ड ईएमआई का मतलब आपको इसमें नो कॉस्ट ईएमआई बहुत सारे बहुत कुछ में मिल रहा है, आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड ईएमआई। सो स्टैंडर्ड ईएमआई का मतलब वो है कि आप 3 महीने के, यहाँ देख सकते हैं स्टैंडर्ड ईएमआई, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कौन कौन सा आपको मंथ लेना है, बट इसमें आपको 12% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12% का इंटरेस्ट देना है, जिससे आप सर्च इंटरेस्ट ये कंपनी इसलिए ले रही है क्योंकि इंटरेस्ट के साथ साथ आपका जो ईएमआई का जो मंथ है वो भी इंक्रीज कर रही है, जैसे कि यहाँ पे 9 मंथ, 12 मंथ, 8 मंथ, 24 मंथ, इस तरह से इंक्रीज, अगर आप मंथ्स को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होगा। और नो कॉस्ट पे जाते हैं तो नो कॉस्ट भी सारी कंपनीज जो बैंक्स के हैं वो भी दे रही है, बट 3 से 6 मंथ का अवेलेबिलिटी है। सो 3 से 6 महीने तक के बीच में आपको ये सारे जो प्राइस हैं इस फोन के वो आपको चुका देने होंगे, तब जाकर आप नो कॉस्ट ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं। सो इसको कैसे लिया जाए, तो फर्स्ट ये तो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं कोई दूसरा फोन जो रियलमी का है आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप खरीद सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं ये वाला रियलमी 3i इसको मैं दिखाता हूँ, ये भी अभी आउट ऑफ स्टॉक है। सो इन स्टॉक में कोई भी फोन, जैसे सैमसंग का कोई फोन मैं दिखाता हूँ, सैमसंग मोबाइल्स। तो यहाँ पे आपको ये वाला फोन जो है इसको अगर आपको लेना है ईएमआई पे, तो यहाँ पे आप बाय करें, और बाय करने के बाद आपको ये तो एड्रेस हो गया, तो पेमेंट ऑप्शन पे जाने के लिए आपको डिलीवर हियर करना है, ये कंटिन्यू करना है, और पेमेंट का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या ये सबसे पेमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ ऑफर्स हैं वो आपको मिल जाएगा अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो। और यहाँ पे फोन पे का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, इजी ईएमआई इंस्टॉलमेंट। तो इजी ईएमआई इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे आपको टैप करना है, और यहाँ पे देखिए नो कॉस्ट ईएमआई का भी है और क्रेडिट कार्ड ईएमआई। सो क्रेडिट कार्ड ईएमआई आपको लेना है तो क्रेडिट कार्ड पे जाइए, नो कॉस्ट पे लेना है तो नो कॉस्ट पे, अगर नो कॉस्ट पे लेना है तो यहाँ पे पूछेगा चूज प्लान कीजिए, जो प्लान है वो प्लान चूज कीजिए, जैसे कि मैंने 6 मंथ का प्लान जो है वो चूज किया। उसका प्लान चूज करने के बाद मैंने नो कॉस्ट किया था, तो बजाज फिंसर पे यहाँ पे आ रहा है, तो इस पे कार्ड नंबर जो बजाज कार्ड देता है उस पे आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जो भी जो दिया जाता है इन्फॉर्मेशन वो सब फिल करना है, और फिल करने के बाद कंफर्म कर देना है। सो कंफर्म करेंगे तो उसके बाद जाकर बैंक आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि ये आप ही हैं या नहीं, या फिर आपको एक ओटीपी जैसा आएगा आपके फोन में अगर आप इलिजिबल होंगे तो, अगर आपका क्रेडिट स्कोर हाई है तो जाकर आप कर सकते हैं, या अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अगर लो होगा तो आप ये फोन नहीं खरीद पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन जो बताया गया था, जैसे कि मैं फिर से एक बार जाकर दिखाता हूँ, तो डिलीवर हियर कंटिन्यू, और उसके बाद जाकर आप यहाँ पे जाएंगे नो कॉस्ट ईएमआई। सो क्रेडिट कार्ड पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है वो सब चूज करने हैं, ये सब कार्ड जो है वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही है, तो इस तरह से जाकर आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लान जो है वो चूज कर लीजिए, कितने मंथ का आपको प्लान देना है, 9 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जो भी प्लान जो है उसको सेलेक्ट करें, चूज प्लान करें,
और उसके बाद जाकर आपका जो भी कार्ड है, इन सभी बैंक में से कोई भी कार्ड का, एक क्रेडिट कार्ड है कोई भी बैंक का, तो उससे जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। तो यही दो मेथड जो है वो अभी फोन्स पे दिखा रहे हैं। तो रियलमी एक्स अगर आपको लेना है या कोई भी फोन अगर लेना है फ्लिपकार्ट से, तो ये सब यही सब आपको करना होगा। यही एक फुल ट्यूटोरियल है जिससे आप ईएमआई पे कोई भी फोन जो है वो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। सो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर जरूर दूंगा।